hello i welcome you all once again to my channel explore education mm -hmm. i am dr rashmi singh assistant professor department of education ss khanna girls school college university of allahabad mm -hmm. university of allahabad and uh, after discussing all theories of learning almost this time i am going to discuss factors influencing learning okay so uh, and the lecture will be in bilingual mode as usual so uh, by uh, factors influencing learning means कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हम लोगों ने अधिगम जान लिया कंसेप्ट ऑफ लर्निंग मैंने आपसे डिस्कस कर लिया और सारी लर्निंग थे जितनी भी आपके कोर्स में है थॉन्डाइक पैबलॉफ स्किनर और लिविन और आपका टॉलमैन हल और सोशल लर्निंग थेरी और कंस्ट्रक्टिविज्म जितनी भी लर्निंग थेरीज हैं वो सभी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है पर कभी कभी जब लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि वट आर दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग तो अगर आप इसको नहीं पढ़ कर जाएंगे तो आप पूरा क्वेश्चन अटैम्प नहीं कर पाएंगे तो जानते हैं कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं तो एक थोड़ी सी बात एक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग रह गया था आपसे डिस्कस करने वो वो भी मैंने इसी में ऐड कर लिया है कि लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ इंटेलिजेंस मोटिवेशन लर्निंग क्या है भाई अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इवन ब्रेन केमिस्ट्री अब तो इतना न्यूरो साइंस हो गया है न्यूरो मतलब आपकी ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो लर्निंग के या प्रॉब्लम सॉल्विंग को गवर्न करता है या इंटेलिजेंस से उसका लेना देना है या अब तो बहुत सारा ये ये जो नया मेडिकल साइंस और न्यूरो साइंस में तरक्की हो गई है वहाँ से भी बहुत कुछ पता चल रहा है कौन सा हिस्सा है जो किसी डेफिसिट के लिए इम्पॉर्टेंट है रेस्पॉन्सिबल है है ना तो ये सारी बातें तो लर्निंग बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ये एकदम आसान चीज़ नहीं है कि हम आपको आज बता दें कि किस चीज़ से आप सीख जाएंगे कौन सी बातें हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं कौन सी बातें हैं जो अधिगम में रुकावट डालती हैं इसलिए ये जितने भी कंसेप्ट हैं साइकोलॉजी के ये बहुत मुश्किल इनको समझना और समझाना है फिर भी मनोवैज्ञानिक कोशिश करते रहते हैं और रिसर्चिस से अपनी हमको समझाने की कोशिश करते रहते हैं तो पाया गया कि कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग के जो आपसे लर्निंग के कन्सेप्ट में डिस्कस नहीं हुआ था तो वो क्या है पहला है दी वैल्यू ऑफ इफेक्टिव मेटाकॉग्निशन अब मेटाकॉग्निशन अपने सॉरी oh मेटाकॉग्निशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक एक आसानी से समझ में आने वाला नहीं है ही और मेटाकॉग्निशन में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी वीडियो में आप मेरा पुराना वीडियो जाके सुन सकते हैं तो मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या है कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन यानी कि अपनी थिंकिंग पावर के विषय में सोचना ही मेटाकॉग्निशन है तो मेटाकॉग्निशन क्या कह रहा है तो वैल्यू ऑफ इफेक्टिव मेटा यानी कि अगर आप सोचेंगे आप इस पर ध्यान देंगे कि आप कैसे सीखते हैं कैसे सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा सीख पाएंगे जल्दी सीख पाएंगे तो ये कह रहा है कि मेटा डिस्क्राइब्स दी नॉलेज एंड स्किल्स पीपल हैव इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग देयर ओन लर्निंग एंड मेमोरी हम किस चीज़ को जल्दी सीख जाते हैं कौन सी चीजें हमें जल्दी याद हो जाती हैं कैसे जल्दी याद हो जाती हैं अपनी ही मेमोरी और लर्निंग को मॉनिटर करना या कंट्रोल करने की जो नॉलेज और स्किल होती है वही कॉग्निशन है We can improve by paying attention successes and failures। कह रहे हैं कि हम अपनी की पावर को बढ़ा सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं सुधार सकते हैं अगर हम अपनी सफलता और असफलता पर ध्यान दें तो मतलब पता चल जाएगा ना कि कब हमने अच्छा किया कब खराब किया कब हम फेल हो गए कहाँ हमसे गलती हुई तो अगर आप इफेक्टिवली मेटाकॉग्नेट कॉग्नाइट कर पाते हैं तो इसका मतलब कि आप एक हो सकते हैं फिर ट्रांसफर अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग हम सभी लोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी पढ़ चुके हैं और हम ये जानते हैं कि लर्निंग का ट्रांसफर होता है तो अगर ट्रांसफर के अप्रोप्रिएट हमको लर्निंग uh, के ट्रांसफर का अगर हमको प्रोसेसिंग मिल जाए या सिचुएशन uh, मिल जाए कंडीशन मिल जाए तो हम बेहतर सीखेंगे इट स्टेट्स दैट मेमोरी इज बेटर व्हेन द टेस्ट टैप्स द सेम टाइप ऑफ नॉलेज एज दरिजिनल इन कोडिंग एक्टिविटी अगर उसी तरीके की हमको एक्टिविटी मिल जाएगी तो हम बेहतर करेंगे वेन थिंकिंग अबाउट हाउ टू लर्न मटीरियल वी शुड ऑलवेज भी थिंकिंग अबाउट दिचुएशन इन विच वी आर लाइकली टू नीड एक्सेस टू दैट मटीरियल ठीक है तो ये, ये मुझे, तो मुझे शेयर करना चाहिए फॉरगेटिंग माने क्या होता है भूलना जनरली तो हमको क्या लगता है हमको लगता है कि भूलना तो बड़ी गलत बात है क्योंकि भूल जाते हैं इसीलिए हमको याद नहीं रहता है मतलब हमारा सारा याद किया हुआ बेकार हो जाता है क्योंकि हम भूल जाते हैं बट फॉरगेटिंग भी इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के लिए कैसे वो कह रहा है कि फॉरगेटिंग इज समटाइम्स सीन एज द एनिमी ऑफ लर्निंग अक्सर हम इसको शत्रु समझ लेते हैं दुश्मन समझ लेते हैं कि हम लर्न इसलिए नहीं कर पा रहे हम भूल जाते हैं बट फॉरगेटिंग इज ए हाईली डिजायरेबल आर्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं या हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि भूलना भी एक तरीके से याद करने की प्रक्रिया का एक बहुत वांछनीय हिस्सा है कैसे वो कह रहा है कि वी हैव ऑल हैड एक्सपीरियंस ऑफ रिट्रीवल फेलियो बहुत बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं आता है दैट इज अनेबल टू रिमेंबर ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट वी नो वी हैव मतलब हमें वो चीज़ याद नहीं आती है जो हमको पता है कि हम जानते हैं एंड दैट वी कैन एक्सेस इजिली वंस राइट सेट ऑफ क्यूज इज प्रोवाइडेड लेकिन वो हम अच्छा, आराम से एक्सेस कर सकते हैं उस जानकारी तक पहुंच सकते हैं अगर हमको सही हिंट मिल जाए तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कुछ आपने पढ़ा है कुछ याद किया है आपने और आपसे कोई पूछे तो आप कहते हैं कि थोड़ा ऑप्शन दो थोड़ा हिंट करो तो हम बता देंगे हमें पता है पता है लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है तो विदाउट फॉरगेटिंग अवर माइंड वुड बिकम क्लटर्ड विद आउट ऑफ डेट और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन तो वो कह रहे हैं कि लर फॉरगेटिंग किस तरीके से ज़रूरी है लर्निंग के लिए कि अगर हम कुछ भी भूलेंगे नहीं और जितना भी हम याद करेंगे सब हमारे दिमाग में रहेगा तो हमारा दिमाग एक तरीके से पुरानी आउटडेटेड और Uh, मतलब बिना इलेवेंट uh, मतलब वो जो हमारे काम की नहीं है उन सारी सूचनाओं से भर जाएगा एंड जस्ट इमेजिन हाउ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ वुड बी आरबल टू फॉर और सोचिए कि, कि जिंदगी कितनी जटिल हो जाएगी अगर आप कुछ भी पुराना भूल नहीं पाएंगे तो देर इज अट ऑफ एविडेंस डेट समेटिंग इज ए प्री फॉर मोर लर्निंग इसलिए फॉरगेटिंग भी जरूरी है कि ठीक है जो आउटडेटेड हो गया है जो इेलिवेंट है वो हम भूल जाते हैं इसीलिए हम याद कर पाते हैं तो ये एक नई बात थी मुझे आपसे शेयर करना अच्छा लगा तो मैंने आपसे शेयर किया तो ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है वैल्यू ऑफ इफेक्टिव मेटाकॉगनी ट्रांसफर प्रोसेसिंग और दी वैल्यू ऑफ फॉरगेटिंग अब आते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे बहुत आसान है इसमें कोई बहुत 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 टेक्निकलिटी नहीं है समझने के लिए लेकिन तब भी आप इसको लिख नहीं पाएंगे अगर आपसे पूछ लेगा कि वो कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं तो जानिए लर्निंग फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड लर्नर ये हम लोगों ने पढ़ लिया कर्ट लिविन में पढ़ा बंडूरा ने बताया कि पर्सन और एनवायरमेंट पर्सन को इन्वायरमेंट और बिहेवियर दोनों इफेक्ट करता है तो कह रहे हैं कि जो अधिगम है वो कारक है किसका वातावरण और अधिगम कर्ता के बीच का तो तो इसीलिए जो है है वो व्यक्तिगत कारणों से से भी भी। प्रभावित होता और वातावरणीय कारकों तो इतने इन्होंने प्रकार बता दिए लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स हो सकता है या आप इसको पर्सनल फैक्टर्स कह दीजिए टीचर रिलेटेड फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं लर्निंग को टास्क रिलेटेड फैक्टर्स भी और इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी तो इसमें जो बाद वाले दो हैं लास्ट के दो टास्क रिलेटेड फैक्टर्स और इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स ये इजी है मतलब आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि टास्क से संबंधित कारक यानी कि जो आपको कार्य मिला है वो कैसा है आपकी रुचि का है या अरुचि का है या उसके लिए आपको कैसी दशाएं उसके लिए क्रिएट की गई हैं तो उस हिसाब से आप अच्छा या खराब सीखेंगे जल्दी या देर में सीखेंगे उसी तरह से इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स अगर इन्वायरमेंट सपोर्टिव है कोलेबोरेटिव है हाँ आपके ये दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहा है तो आप बेहतर सीखेंगे इस तरह से बहुत सारे पॉइंट इसमें भी बन सकते हैं बट मेनली जो है लर्नर रिलेटेड फैक्टर ही लर्निंग को इम्पैक्ट करता है यानी कि जो अधिगम करता है उससे संबंधित कारक और टीचर रिलेटेड फैक्टर भी करते हैं बट उतना नहीं लेकिन करते हैं लेकिन लर्नर रिलेटेड फैक्टर सबसे ज्यादा करता है यानी कि हमारे व्यक्तिगत कारक सबसे ज़्यादा हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं कैसे <coughs> पहला पॉइंट हो सकता है मैच्यशन फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस फिजिकल इंटलेक्चुअल एंड सोशल इमोशनल मैच्यशन इज असेंशियल यानी कि हम कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए हमारा शारीरिक हमारा बौद्धिक हमारा सामाजिक और सामवेगिक हम रूप से मेच्योर हूँ ये जरूरी है टूडे इन अवर एवर एडवांसिंग सोसाइटी स्टूडेंट्स विद टू many things without giving credence to their level of maturation और अक्सर हम लोग क्या करते हैं आजकल कर जो सब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी आ रही है समाज इतना एडवांस होता जा रहा है तो हम जनरली अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजों से भर देते हैं मतलब ये भी कर लो ये भी कर लो ये भी कर लो और ये ध्यान नहीं देते हैं कि अभी वो उतना मेच्योर भी है कि नहीं कहने का मतलब है कि जब हम पर्टिकुलर लेवल की हमारे पास मेच्योरिटी आ जाएगी तो हम वो चीज़ सीख पाएंगे जो उस लेवल के लिए जरूरी है फिर मोटिवेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन दियर इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन अच्छा देखिए ये बात आपसे कई बार हो गई है कि मोटिवेशन दो प्रकार का होता है मेनली इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक मोटिवेशन वो होता है जो हमको उस काम को करने से आंतरिक खुशी मिलती है तो जिस काम को करने से आपको आंतरिक खुशी मिलती है उस काम के लिए कोई आपको कहेगा नहीं आप खुद ही अभिप्रेरित होंगे कि आपको काम करें और दूसरा होता है एक्सट्रेंजिक फैक्टर या एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको प्रभावित करें जैसे कोई रिवॉर्ड आपको मिल जाए कोई आपको ट्रॉफी मिल जाए कोई आपको धनराशि मिल जाए वो एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन है तो वो कह रहे हैं कि लर्निंग दोनों तरीके और इस पर बहुत डिबेट हो चुका है कि इंट्रेंजिक ज़रूरी है कि extrinsic जरूरी है बट तो दोनों ही ज़रूरी है और मोटिवेशन एकदम सेंट्रल फीचर है लर्निंग का अगर हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड हैं तो हम जल्दी सीखेंगे बेहतर सीखेंगे हम सीखने के लिए लालयत रहेंगे ठीक है फिर साइकोलॉजिकल नीड हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं वेरी क्लोजली रिलेटेड टू अवर मोटिवेशनल पैटर्न आर अवर साइकोलॉजिकल नीड्स देर दीज एक्जिस्ट इन दम ऑफ सर्टन वॉन्ट्स और डिजायर्स आर यूनिक टू अस जैसे uh, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या हो सकती है जैसे इच्छा है कुछ हमारी वो करना है हमको हमारे अंदर कुछ uh, um, हमको कोई आवश्यकता है कि वो हमको पूरा करना है तो इस तरीके की अगर आपके संग साइकोलॉजिकल नीड है तो आप बेहतर सीखेंगे क्योंकि हम एफर्ट करेंगे उसको सीखने के लिए है ना फिर सेल्फ कंसेप्ट यहाँ जो सेल्फ कंसेप्ट है उसको सेल्फ एस्टीम समझ लीजिए सेल्फ वर्थ समझ लीजिए सेल्फ एफिकेसी समझ लीजिए यानी कि हम अपने बारे में क्या विचार रखते हैं एज इंडिविजुअल्स ग्रो एंड डेवलप दे पिकअप आइडियाज अबाउट देम सेल्स जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हम अपने बारे में हम कुछ विचार बना लेते हैं जैसे कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है हमें कौन सी शक्ति है पोटेंशियलिटी है हमारी कमी क्या है हमारी स्ट्रेंथ क्या है दी नेटवर्क ऑफ आइडियाज अबाउट वन सेल्फ फॉर्मुलेट्स वॉट इज नोन एज अवर सेल्फ कंसेप्ट और ये जो अपने बारे में सारी बातें हमको धीरे धीरे पता लगती हैं वही हमारे स्व का निर्माण करती हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैटर्स ऑफ लर्निंग और ये सीखने के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों कैसे बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेज इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन लर्नर्स क्योंकि इससे पता चलता है कि दो व्यक्ति कैसे एक दूसरे से अलग हैं कैसे उनके लर्निंग ओरिएंटेशन अलग हैं कॉग्निटिव स्टाइल अलग है सेल्फ लर्निंग स्ट्रैटेजीज अलग हैं है जो वो यूज़ करते हैं और जो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट कैसे बनता है यंग एडल्ट्स में उनकी सेल्फ इमेज से, सेल्फ इस्टीम से उसी से पता चलता है कि वो किस काम में ज़्यादा रुचि लेंगे एकेडमिक्स में कि स्पोर्ट्स में कि पब्लिक स्पीकिंग में कि फ्रेंडशिप में मैं कहने का मतलब कि अगर हमारे बारे में हम, हम अपने बारे में अच्छा कंसेप्ट रखते हैं सेल्फ कन्सेप्ट हमारा अच्छा है तो, तो हम बेहतर सीखेंगे ठीक है जल्दी सीखेंगे हम सीखने के लिए प्रयासरत रहेंगे फिर लेवल ऑफ एस्पिरेशन हम कितना चाहते हैं सीखना हमने अपना लेवल क्या सेट किया है हमने अपने लिए कहाँ तक हमारी इच्छाएं महत्वाकांक्षा जिसको कहते हैं ना कि क्या हम बनना चाहते हैं इट इमिनेट्स द टारगेट्स गोल्स एंड एम्बिशन हमने अपने लिए कौन सा गोल सेट किया है अगर हमने अपना गोल हाई रखा है तो हम उसके लिए एफर्ट करेंगे और अगर हमने गोल ही अपना लेवल ऑफ एस्पिरेशन ही कुछ नहीं है कि ठीक है कोर्स में एडमिशन लिया है पास हो ही जाएंगे किसी तरह तो हम नहीं सीखेंगे तो हमारे अंदर कोई हमारे कोई डिज़ायर नहीं होगी जिसको फुलफिल करना है उसी तरह से गोल हमारा गोल शॉर्ट टर्म हो सकता है लॉन्ग टर्म हो सकता है और गोल मोटिव नीड एस्पिरेशन ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से गोल को ही पाने का मोटिव है गोल को ही पूरा करना है वही हमारी नीड है गोल को पूरा करना है यही हमारी एस्पिरेशन है तो ये सब कोई बहुत अलग अलग नहीं है सब आपस में मिलता जुलता है और अगर हमने गोल अपना रखा है कुछ सेट किया है और उसके लिए हमारे पास मोटिवेशन भी है तो हम सीखेंगे फिर इंटरेस्ट रुचि हम सबको पता है कि हम पढ़ते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है लेकिन मूवी आ रही है हमारा कोई फेवरेट सीरियल आ रहा है हम अगर मैच देखने के शौकीन है मैच आ रहा है तो हम बिल्कुल रुचि से करेंगे और उसके लिए पूरी जद्दोजहद करके हम समय भी निकाल लेंगे उसमें हमारा मन भी लगेगा उसकी बारीकी भी हमें समझ में आएगी मतलब अगर जिस पर्टिकुलर एरिया में हमको रुचि होती है उसमें हम मतलब एक्स्ट्रीमली मोटिवेटेड होते हैं हम उसको करने के लिए तो अब इसका एजुकेशनल इंप्लिकेशन क्या निकलेगा कि लर्नर का इंटरेस्ट किसमें है उसको पता कर लीजिए तो वो बेहतर सीख जाएगा या जो आप सिखाना चाहते हैं लर्नर को उसमें उसका इंटरेस्ट पैदा कर दीजिए तो वो बेहतर सीख जाएगा है ना फिर स्टडी एंड वर्क हैबिट्स स्टडी और वर्क हैबिट पे हम लोग बीएड में प्रैक्टिकल भी करते थे एक्सपेरिमेंट कि अच्छी स्टडी हैबिट बच्चे में डेवलप कर दीजिए वो अच्छा सीख जाएगा अच्छा जल्दी सीख जाएगा उसको जो सीखेगा वो प्रभावी रहेगा वो बहुत दिनों तक उसको याद रहेगा तो जैसे कैसे पढ़ना है पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेटीरियल टू बी लर्न जो सीखना है उसको आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए वो मटेरियल ज्यूडिशियसली टाइम्ड ब्रेक्स बिटवीन लर्निंग कहते हैं ना कि बीच बीच में रुक रुक के उसको बाद में याद करके बार बार दोहरा दोहरा के पढ़िए ये स्टडी हैबिट है केयरफुल एनालिसिस एंड प्लानिंग ऑफ द कंटेंट टू बी लर्न टाइम टेबल बनाइए बचपन से हम लोगों से कहा जाता है कि टाइम टेबल बना के चलो टाइम टेबल बना के चलो तो ये सब ये सब जो स्टडी हैबिट्स हैं मतलब कि अध्ययन की आदतें हैं अच्छी आदतें हैं तो अगर ऐसा बना के स्टूडेंट चल रहा है तो वो जल्दी सीख जाएगा एक बेहतर सीखेगा तो इतना तो लर्नर रिलेटेड हुआ कि मैच्योर मैच्योर है कि नहीं मोटिवेटेड है कि नहीं उसने अपना लेवल ऑफ़ एस्पिरेशन क्या सेट किया है उसका गोल क्या है शॉर्ट टर्म गोल है कि लॉन्ग टर्म गोल है उसके पास स्टडी हैबिट्स हैं कि नहीं है ना नीड्स डिज़ायर साइकोलॉजिकल नीड्स हैं कि नहीं तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत हो सकती हैं पर कहीं ना कहीं तो हमको अपने आंसर को डिलिमिट करना होगा ना उसी तरह से टीचर रिलेटेड फैक्टर कि टीचर के किस तरीके का लीडरशिप स्टाइल फॉलो करता है क्लास में वो ऑटोक्रेट मतलब कि लोकतंत्रात्मक तरीके से चलता है डेमोक्रेटिक चलता है कि ऑटोक्रेटिक चलता है कि लेसिस फेयर चलता है लेसिस फेयर मतलब बिल्कुल छोड़ दिया है बच्चे का मन है क्लास में आ रहा है होमवर्क कर रहा है असाइनमेंट जमा कर रहा है तो उसमें पाया गया कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो टीचर्स फॉलो करते हैं उनके उनके क्लास में बच्चे जो हैं स्टूडेंट जो है वो बेहतर सीखते हैं फिर फ्रीडम टू कम्युनिकेट क्लास में कितनी फ्रीडम है स्टूडेंट को वो कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं उसको कुछ भी बोलने की मनाही है या वो जो चाहे बोल सकता है या वो तार्किक बोल सकता है ये सारी बातें फिर रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स बच्चों के संग टीचर का रिलेशनशिप कैसा है यानी कि इसका फीडबैक से मतलब है कि अगर बच्चे ने अच्छा किया, तो आप उसको कैसे लर्नर बनेगा फिर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स हमने अपने विद्यार्थी से अपेक्षा क्या रखी है हमने कोई अपेक्षा ही नहीं रखी है तो वो क्यों सीखेगा हमको विद्यार्थी के लिए एक हायर बट रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए कि आप यहाँ तक कर सकते हैं आप कर सकते हैं आप अच्छा कर सकते हैं तो आप अगर एक्सपेक्टेशन रखेंगे अपने स्टूडेंट से तो ही वो उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे और प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल यानी कि जो आप उनको पढ़ाने जा रहे हैं वो आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कितना आप कह सकते हैं कि कितना मतलब सुरुचिपूर्ण तरीके से कितना अट्रैक्टिव तरीके से कितनी इनोवेटिव तरीके से वो लर्निंग मटीरियल आप स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं या आ, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे तो ये तय करेगा कि स्टूडेंट जो है वो कह, कैसा सीखेंगे ठीक है तो ये जनरल कंसेप्ट है कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है कोई बड़ी थियरी नहीं है इसको समझने समझाने के लिए पर आपके आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये पॉइंट्स है अदरवाइज एग्जाम में अचानक से हमको सोचने को आता है तो हमको कुछ नहीं समझ में आता है कि लर्निंग को क्या क्या प्रभावित करेगा है ना तो लर्नर रिलेटेड फैक्टर है टीचर रिलेटेड फैक्टर है इसी तरह से टास्क रिलेटेड फैक्टर को भी आप एक्सप्लोर वो इलेबोरेट कर सकते हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर को भी कर सकते हैं और अपने आंसर को बढ़िया बना सकते हैं और समझिए कि लर्निंग क्या है